नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ दिल्ली से एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर जुड़े हैं। लेकिन सूद सर का मैं इंट्रोडक्शन करवाऊं, उनसे मिलवाऊं, उससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें सलमान खान के पिताजी ने क्या दावा किया था। लेकिन सलमान की गर्लफ्रेंड जो उस टाइम पे जब ब्लैक बक का शिकार किया गया था वो उनके साथ थी, ये दावा किया गया है, उसने उल्टी स्टेटमेंट दे दी है। तो पहले मैं सलमान खान के पिताजी ने क्या कहा था वो स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ, और उसके बाद हम सुनेंगे उनकी गर्लफ्रेंड की, फिर हम सूद सर के पास जाएंगे। मैंने कहा कि किसने किया कुछ नहीं, तो कह रहे मैं तो था भी नहीं, जब ये हुआ है तो मैं तो गाड़ी में भी नहीं था, पर वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा। उसको नहीं है ये शौक जानवर मारने का, ये जानवरों से मोहब्बत करता है। अच्छा, जानवर से मोहब्बत करता है। अब उनकी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा, जो उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनको सुनिए जरा। क्या करते हैं, क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो वो जो इलाका है, वो इतना एकर्स है, इतना लंबा, इतना बड़ा इलाका है कि वहां पे इतनी हंटिंग की जाती है। तो सलमान को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान है। लेकिन कैसे, तो भाई आपको कैसे पता है कि सलमान खान को पता नहीं था ये? क्या सलमान कभी आपसे बात की थी इस इंसिडेंट के बारे में? क्योंकि इस एक आउटडोर शूटिंग में मैं नहीं गई थी, आमतौर पर मैं आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, मगर जब भी वो हंटिंग से सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं खास देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं इस बात की कि ये उनको नहीं इसकी नॉलेज थी, जानकारी थी कि इनकी पूजा करते हैं। आप सोचिए, अगर इतने 80 एकड़ से ज्यादा वो लैंड है, ठीक है, जहां पे हंटिंग होती है, कितने लोग वहां पे हंटिंग पे जाते हैं? आपके ख्याल में कि सिर्फ एक ही आदमी ने ये ब्लैक बक को मारा है? बिश्नोई ट्राइब की जो जिनकी पूजा करते हैं, एक ही आदमी ने इस ब्लैक बक को मारा है? नहीं, मगर सलमान खान क्योंकि स्टार है, सुपरस्टार है, तो उनके पीछे पड़े हैं वो लोग, और वो भी ऐसे इंसान के पीछे पड़े हुए जो कैंसर लोगों की हेल्प करते। लेकिन सूद सर, ये आपने दोनों वीडियो देखी जहां पे एक तरफ उनके पिताजी कह रहे हैं हम तो भैया चींटी भी नहीं मार सकते, मैंने पूछा मेरे को झूठ नहीं बोलेगा, दूसरी तरफ सलमान को बचाने के चक्कर में ये मोहतरमा सारा उगल गई यहाँ पे और बोल गई कि हाँ उसको हंटिंग का भी शौक था, जहां पे उनके पिताजी कहते भैया हम तो एक चींटी भी नहीं मार सकते, हम तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते, वहां पे भी देखते पैरों के नीचे कुछ आ तो नहीं गया है, और मुझसे झूठ थोड़ी बोलेगा वो, ये कहना था उनके पिताजी का। अब इनकी जो ये गर्लफ्रेंड है, वो एक्स गर्लफ्रेंड है, उन्होंने ये दावा किया मैं हमेशा उनके साथ जाती थी आउटडोर शूटिंग पे, लेकिन हंटिंग का शौक था, उस हंटिंग के दौरान मैं नहीं गई। आते ही उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये बिश्नोई समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो एक तरीके से इन्होंने इनको इसको फंसा दिया है। बिल्कुल देखिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि एक बात ने शायद सच्ची बोली है कि हो सकता है सलमान खान को ना पता हो कि बिश्नोई जो है इनकी पूजा करते हैं, ये हम कह सकते हैं कि शायद ना पता हो, शायद कह रहा हूँ, लेकिन बाकी जो बातें सारी झूठी हैं। आप ये कहते हैं वो हंटिंग करते थे और इनके पिताजी कहते हैं वो तो चींटी नहीं मारते, अरे भाई आप क्या जैन हो, जैन मुनि हो जो नंगे पैर चलते हो? अगर आप सलमान खान की बात करो, सलमान खान तो एक डॉन है, कहते हैं भाई है, भाई कौन होता है जो दाऊद का खास होता है, और आपने तो बॉलीवुड के अंदर धमाका बजा रखा था, कोई आपका आदमी किसी को थप्पड़ मार देता है तो आप चींटी नहीं मार सकते, थप्पड़ मार सकते, आप किसी के ऊपर गाड़ी चला देते हो क्योंकि आप तो बड़े ईमानदार हो और आपको तो शिकार करना आता नहीं है। अब वो मोहतरमा कह रही है कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो शिकार करते थे, अब सलमान खान इसको क्यों लेके जाता था भाई अपनी गर्लफ्रेंड को, ऐश करते होंगे वैसे, क्या मतलब, वो तो चलो जो भी इशू है, लेकिन सलमान खान के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं जैसे बिश्नोई ने लगाए हैं, मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है, केस भी चला उनको, एक दिन जेल में भी रहे, बाकी ठीक है पैसे बहुत तो आके बड़े बड़े वकील आ जाते हैं वहां पर, इन्फ्लुएंस डाल के बाहर निकल आते हैं, आज भी घूम रहे हैं, अगर नॉर्मल आदमी होता तो वो शिकार करके करने के बाद जेल से बाहर ही ना आता, अभी तक जेल में सड़ रहा होता। उनके पिताजी कहते हैं कि चींटी नहीं मारता, फिर वो कहते हैं उसको डर नहीं लगता, ये भी उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि सलमान खान कोई डर नहीं लगता, उसको माफी माफी नहीं मांगेगा। अगर सलमान खान को डर नहीं लगता तो सलमान खान क्यों नहीं घूमता ऊपर, क्यों छुपके रहता है आजकल? क्योंकि इसको डर लगता है, दाऊद का इसके ऊपर हाथ था, लेकिन आज यहाँ पे दाऊद की जगह बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई आ रहे हैं, इसलिए सलमान खान छुपा हुआ है। इसने किस किस को नहीं धमकाया बॉलीवुड के अंदर, किस किस को इसने धमकी नहीं दी, इसके जो सिक्योरिटी के लोग थे वो भी धमकी देते थे, इसके पीछे दाऊद का हाथ था, सलमान खान के सब जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ है, उसके पीछे दाऊद का हाथ है। अब बिश्नोई का क्या है, बिश्नोई एक तो सलमान खान को तो धमकी दे रहा है, लेकिन एक और दूसरी बात है कि इस टाइम पे बॉलीवुड के अंदर बिश्नोई अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, इससे लोग काफी परेशान भी है और कुछ लोग खुश भी है, परेशान है सिर्फ मुस्लिम, और जो हिंदू है वो कहते हैं कि ये तो यार इंडिया का रॉबिन हुड है। देखिए सिंपल सी बात है कि जहां पे पैसा आएगा वहां पे मक्खी तो आएगी, अंडरवर्ल्ड भी आएगा, गुंडे भी आएंगे, करप्ट लोग भी आएंगे, चोर भी आएंगे, और ऐसे लोग भी वहां पे आएंगे। तो अगर यहाँ पे आज बॉलीवुड पे कंट्रोल है दाऊद का, तो उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी मुस्लिम उनको सपोर्ट मिलती है, पाकिस्तान के ऐसे एक आदमी है, अगर अंडरवर्ल्ड का नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान आईएसआई सामने आ जाती है।
तो यहाँ पे जितने भी मुस्लिम है उनको सपोर्ट दी जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है उनकी पिक्चरों को। जैसे आप शाहरुख खान के नाम ले लीजिएगा, शाहरुख खान किंग खान किसने नाम दिया? दाऊद के लोगों ने। और भाई किसने नाम दिया सलमान खान को? दाऊद के लोगों ने। बाकी जो इतने बैठे हैं, आप अबीर खान की बात ले लीजिएगा, हिंदुओं की तो इंसल्ट किया करता था, हिंदू गॉड से इंसल्ट किया करता था, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी इंसल्ट करने की, क्योंकि वो भी इस कैटेगरी का आदमी था। देखिए जब बॉलीवुड की पिक्चर रिलीज होती थी इंडिया के अंदर तो एक अलग इशू था। अब ये चारों जो बैठे हैं खान, ये घबराए हुए हैं कि इनका वर्चस्व खत्म हो रहा है बॉलीवुड से, इनके बदले अब चार हिंदू यहाँ पे आएंगे। देखिए जब पुराने टाइम में बॉलीवुड था तो दिलीप कुमार एक मुस्लिम था, लेकिन अपना नाम दिलीप कुमार नहीं रखा, दिलीप कुमार इसलिए रखा कि ताकि सबको लगे हिंदू है, बाद में उसका नाम अपना यूसुफ खान रख लिया। लेकिन आज ये अपने बड़े प्राउड से कहते हैं हम खान है, और खान का मतलब है कि इनको बॉलीवुड के अंदर सपोर्ट है अंडरवर्ल्ड की। और इनकी जब पिक्चरें रिलीज होती हैं इंडिया के बाहर तो वहां पे आईएसआई इनको या दाऊद इनकी पिक्चर को प्रमोट करता है, लेकिन अगर किसी हिंदू की पिक्चर बाहर जाएगी, हिंदू एक्टर हीरो हीरोइन की जाएगी, तो वो पिक्चरें प्रमोट नहीं होती, बल्कि उनको पैसा देना पड़ता है इनको अपनी पिक्चरों को बाहर सर्कुलेट करने के लिए। और अब अगर यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई आ जाता है बॉलीवुड के अंदर, ये नहीं आएगा तो कोई और आएगा, तो एक तो दाऊद का खौफ खत्म हो जाएगा और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई का तो रहेगा, लेकिन वो नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई आने का तो इसको डर नहीं लगता, लेकिन अभी गाड़ी भी मंगवाई जा रही है अलग से बुलेट प्रूफ, और उसके बाद 60 गार्ड्स के साथ सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग के लिए पहुंचा। और ये भी बताया जा रहा है कई जो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे कहीं पे, किसी रोहित शेट्टी की मूवी में भी आई थिंक कैमियो करने वाले थे, उन्होंने भी कह दिया कि हम प्राइवेसी की वजह से सलमान खान की अब हम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा था कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसका यही अंजाम होगा जो इन्होंने अंजाम किया बाबा सिद्दीकी का, तो क्या एक तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम डरते नहीं है और फिर उसके बाद ये इस तरीके के काम भी कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए बिश्नोई तो छोड़ेगा नहीं इसको, वैसे भी इसके बहुत से दुश्मन है, दाऊद इसको प्रोटेक्ट तो कर नहीं पा रहा, दाऊद आप बेचारा कमजोर है, ये भी सुना है कि दाऊद इस टाइम पे बीमार है, काफी एक्टिव नहीं है, और इस टाइम पे बिश्नोई इसका कंट्रोल करना चाहता है। ये जो गाड़ी आप दिखा रहे हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो दुबई से मंगाई है उन्होंने सलमान खान ने अपने लिए, क्योंकि डर लगता है इसको भाई, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम कमीज उतार के घूमते हो अभी घूम लो, लेकिन घूमेगा नहीं। जैसे आपने कहा कि ये गया था शो के अंदर, वहां पे 60 सिक्योरिटी के लोग थे, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है इसको, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की एक ड्यूटी बनती है इसको प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि मुस्लिम है, किसी को हिंदू को इतना धमकी होती तो अगर तो उसको इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती, उसको 2000 सिक्योरिटी के लोग मिल जाते हैं, क्योंकि मुसलमान है तो इसको 60 की जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। बहुत प्रोमिनेंट आदमी है, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, और पैसा इन्होंने कैसे कमाया, अच्छा पैसा कमाया, किस तरीके से कमाया, सारे धंधे किए, कोई धंधा नहीं छोड़ा, ये है कि लोगों के टैक्स का पैसा है, इवन जो इसको सिक्योरिटी दी गई है वो भी तो लोगों के टैक्स का पैसा है। लेकिन हम ये लोग यही बात करते हैं आजकल, अगर हम किससे बात करते हैं कि बिश्नोई को कोई नहीं चाहता कि बॉलीवुड के अंदर है, लेकिन दाऊद को इब्राहिम को अगर वो रिप्लेस करके आता तो लोग खुश होंगे, बॉलीवुड के अंदर बहुत से हीरो हीरोइन है वो बड़े खुश हैं कि कम से कम हम दाऊद के उससे तो बचे, क्योंकि दाऊद क्या था कि डिमांड करता था लड़कियों की कि लड़की भेजो नहीं तो तुम्हारी ये कर देंगे, तुम्हारी पिक्चरें कैंसिल कर देंगे। सलमान खान ने बहुत से लोगों की पिक्चरें कैंसिल कराई हैं, विवेक ओबराय की पिक्चर नहीं आने देता था, सोनू निगम के गाने नहीं चलने देता था, और बहुत से और लोग हैं बॉलीवुड के अंदर जो अपना कैरियर स्टार्ट नहीं कर पाए। अगर यहाँ सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ और आज अगर बिश्नोई आएगा तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग मरेंगे नहीं, उनको मार नहीं पाएगा। अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ क्योंकि वहां पे दाऊद था और दाऊद ये नहीं चाहता था कोई हिंदू हीरो हीरोइन या हिंदू हीरो वहां पे चमके और उसके जो लोग हैं चार खान उनको रिप्लेस करें, क्योंकि फिल्में तो अलग बात है लेकिन दूसरा अगर आदमी फेमस हो तो उसको ऐड मिलते हैं, और दाऊद नहीं चाहता था, इवन जो खान नहीं चाहते थे कि उनकी रिप्लेसमेंट करके कोई और वहां पे ऐड में आए, ऐड में जितना पैसा है उतना फिल्मों में पैसा नहीं है, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। जब सुशांत सिंह राजपूत मरा तो बाबा सिद्दीकी की तो उसमें एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी साथ में, ये तो सबको ही पता है क्योंकि दाऊद के क्लोज भी था। लेकिन दूसरी बात है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत था उसको मारने के पीछे क्या कोई वहां पे बॉलीवुड के एक्टर पहुंचा, क्योंकि सबके सबको डर लगता था कि अगर कोई उसके सपोर्ट में आएगा विवेक ओबराय को छोड़ करके। किसी ने बात नहीं कही थी सूद सर, बिल्कुल सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, सिर्फ एक विवेक ओबराय वहां पर पहुंचा था और किसी ने भी इस तरीके के बयान नहीं दिए थे, सब लोग डरे डरे पता नहीं किस वजह से डरे हुए थे। और दूसरी तरफ आप देखिए संजय दत्त जिस जो असल में अपराधी था वो अपराधी अपराध करके जेल जा रहा है, तो पूरा बॉलीवुड रो रहा था। और उसके बाद अभी सलमान खान के ऊपर जो ये चीजें हो रही है, बाबा सिद्दीकी जो मारा गया है उस पर इतनी नदियां बहा दी हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जिसने किसी का बाल बाका नहीं किया, वो बेचारा अपना इतना अच्छे तरीके से काम करता, इतना टैलेंटेड एक्टर था, उसके बावजूद उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला। अब ये हिपोक्रेसी इस तरीके की दिखा रहे हैं। देखिए सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी भारी गलती थी जैसे आप कहते हो, क्योंकि वो अच्छा आदमी था, अगर वो अच्छा आदमी नहीं होता तो उसकी इंसल्ट नहीं होती बार बार स्टेज के ऊपर। बहुत से हमारे हीरो हीरोइन शाहरुख खान पर्टिकुलरली उसने उसकी कई बार इंसल्ट की स्टेज के प्रोग्राम्स के ऊपर, और कौन सा कपूर है उसने भी बहुत इंसल्ट की उसकी, तो ये सारे के सारे मिलकर उसको टारगेट कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को।
और वैसे सबको पता है कि उसने 40-40 तो अपने फोन चेंज कर दिए, सिम चेंज करता था क्योंकि उसको रोज धमकियां मिलती थी, उसको बेचारे को कोई सपोर्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो सारी बात किसी कह नहीं पाया, क्योंकि एक तो वहाँ पे गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, MBA की गवर्नमेंट थी, वो सारी बॉलीवुड के साथ मिले हुए थे जो दाऊद के साथ मिले हुए थे, और दूसरी तरफ इसके पास कोई क्लोज था नहीं जिसको बचा पाता, इसकी हेल्प कर पाता, या किसी को पता नहीं चला और ये सोचता था मैं किसके पास जाऊं, किससे हेल्प लूं, इसलिए छुपता फिरता था। अल्टीमेटली इसको मार दिया, एक कौन सा खतरी था वहां पे, इम्तियाज खतरी, उसे कॉलर पकड़ के ले जाता था इसको गाड़ी में बिठाने के लिए, लेकिन पता नहीं आज कहां है वो, और वो बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड का मेन आदमी था। सुशांत की आपने बात की है तो बिल्कुल यहाँ पे अभी भी मैं और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या ये इनडायरेक्ट एक तरीके से, आपने ये तो बोला कि ऐसा सुशांत जैसा हादसा फिर से ना हो, कोई मरे ना, लेकिन क्या ये जो इनडायरेक्ट सफाई की जा रही है, मैंने एक वीडियो में आई थिंक इलेक्शन से पहले बात की थी, उसमें बताया भी था कि पूरा फुल प्रूफ प्लान है सरकार का बॉलीवुड की सफाई करने का, खास तौर पे इलेक्शन के बाद, वो अभी यहाँ पे शुरू हुई है। तो क्या ये इनडायरेक्ट सफाई की जा रही है, और सुशांत की मौत का बदला, अगर आप कह रहे थे कि वहां पे सबूत नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने, तो क्या ये इनडायरेक्ट उसकी मौत का बदला लिया जा रहा है? जी आप सोच सकते हैं, बिल्कुल बात लगता तो इसी तरीके से कि शायद बिश्नोई के अंदर किसी की आत्मा आई है, सुशांत सिंह राजपूत के किसी खास आदमी की, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अकेला नहीं मरा, 26 और लोग छोटे छोटे एक्टर थे उनकी डेथ हो गई थी, दिशा सिलियान भी थी जिसको कितनी बेरहमी से मारा गया, कपड़े उतार के लड़की को नंगा ऊपर से मार करके नीचे फेंक दिया गया, ये सारे के सारे कौन थे? एक वहां के जो बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे महाराष्ट्र के, उनके बेटे का भी नाम सामने आया, लेकिन प्रूफ नहीं मिला। देखिए मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन लोग अगर उम्मीद करते हैं CBI से, CBI को जादू करनी है, CBI अपनी इंक्वायरी कर और उसके बाद सारा का सारा रिपोर्ट भेजी जाती है, तैयार की जाती है, तो वहां पे कोर्ट में बात होती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर सारी की सारी विटनेस मिटा दी गई, सारे के सारे निशान मिटा दिए गए, जो घर था ये तो था कि पंखे से लटक के अपने वहां पे नीचे पैर तो लग जाएंगे उसके पलंग के ऊपर, लेकिन मेन बात है कि कौन कहेगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया, पुलिस की रिपोर्ट ने कह दिया सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, क्योंकि उस टाइम पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, इनके किसी खास आदमी का इन्वॉल्वमेंट भी था उस केस के अंदर। लेकिन दूसरी बात है कि अब CBI क्या करेगी, CBI तो वहां पे जांच करेगी ना, कुछ जादूगर तो है नहीं CBI की वहां से विटनेस इकट्ठी कर दे, प्लाना कर दे, विटनेस देने को कोई तैयार नहीं था, जो विटनेस थे जिनको पता था वो सामने आएंगे नहीं, आम आदमी तो सामने आता नहीं। और बाकी इंपॉर्टेंट बात थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कह दिया गया इसने सुसाइड किया, बॉडी को जला दिया गया, दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, और कोर्ट तो वही बात मानेगा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ, जबकि कोर्ट चाहे जानता हो चाहे ना जानता, और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो एक शक के उसमें दायरे में आकर के रह गई। लेकिन किसी भी आदमी की मौत बेकार नहीं जाती, कोई जब अच्छा आदमी हो, अच्छी आत्मा का वाला आदमी हो। आज ये जो आदमी जो आपके सामने खड़ा हुआ है दाऊद इब्राहिम, इसकी हालत इतनी खराब है कि ये चल नहीं सकता, कोई कहता है गैंग्राइन हुआ पड़ा इसको, और बाहर देखा तो इसको डर लगता है कि कहीं रॉ के लोग इसको मार न दें। इसका इस टाइम पे जो वर्चस्व है, इसकी जो वहां पे पूरी एक टोली बनी हुई है वो भी काफी परेशान है, बाबा सिद्दीकी मारे गए वो भी एक बात है, एक और इनके जो खास मिनिस्टर थे, और भी बहुत सारे लोगों को धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, और जैसा आपने कहा कि एक तरीके से रॉबिन हुड का काम कर रहे हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत और बाकी के लोग भी, जितने लोगों की भी वहां पे हत्या की गई और कई लोगों की मिस्ट्री डेथ भी वहां पे दिखाई गई थी, जिसको बाद में ऑब्वियसली जब जो चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ MBA की उस टाइम पे सरकार थी, लेकिन अगर हम देखें तो चाहे BJP हो, चाहे शिंदे हो, चाहे फडणवीस हो, शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, बॉलीवुड के ये लोग ऐसे इतने बुरी तरीके से उनको चाटने कहूं मैं, या पीछे पड़ते हैं या फिर उनकी पीछे पड़े रहते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हुआ है। तो शायद आई थिंक जो आप बात कह रहे हैं कि दाऊद का वहां पे कंट्रोल है, वो डर के कारण ये बॉलीवुड के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन जैसे कश्मीर में हुआ वो डर जो था वो खत्म कर दिया, अब अब्दुल्ला का स्टैंड बदल गया है, अब वो कहता है कि भैया हमें यहाँ पे शांति चाहिए, हम अपनी सरकार चलाएंगे। तो मुंबई में दाऊद का वर्चस्व खत्म हो गया, तो जो वहां पे पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग इनके दबाव में कई तरीके के कृत्यों को अंजाम देते होंगे, वो डर खत्म हो जाएगा। और मैं लॉरेंस बिश्नोई को इसलिए सपोर्ट करूंगा यहाँ पर, अगर वो यहाँ पे दाऊद का वर्चस्व खत्म करने के लिए अगर काम कर रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन क्या आप भी इसी तरह नजरिए से देखते हैं जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, मैं भी ये सोचता हूँ कि बॉलीवुड के अंदर जितना नुकसान बॉलीवुड ने देश का किया है, बॉलीवुड के अंदर जो इस्लामिस्ट है, जो वहां पे कम्युनिस्ट है, जिन्होंने जितना नुकसान देश का किया किसी ने नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है उसके बाद बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस बहुत सी चीजों में कम हुआ है, बहुत से लोगों ने बॉयकॉट बॉलीवुड करना शुरू कर दिया था, और दाऊद तो एक नाम रह गया, लेकिन अगर उस जगह को जो खाली हो रही है उस पर बिश्नोई आता है तो कम से कम हिंदुओं का अपमान तो नहीं होगा बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर, ये तो इसका एक एजेंडा है। दूसरी बात है, जितने भी वहां पे हिंदू एक्टर्स हैं
उनको कोई टारगेट तो नहीं करेगा, उनकी पिक्चर फ्रीली शो दिखाई जा सकेगी, और कोई आपको अजमेर की दरगाह में जाके पैसे नहीं चढ़ाएगा कि मुस्लिम को खुश करना है, क्या अक्षय कुमार को ऊपर से आ रहा है वहां पे पैसे चढ़ा के, वो काम नहीं होगा। फिर दूसरी बात है कि जो हिंदू एक्टर एक्ट्रेस होंगे वो सेफ रहेंगे, कभी दोबारा सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं होगा, दोबारा कोई दिशा सिल्यान को इस तरीके से मारेगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो काम किया गया वो अंडरवर्ल्ड के द्वारा किया गया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का क्या होता है कि अंडरवर्ल्ड के एक तो कनेक्शन होते हैं पॉलिटिशियन के साथ, एक पुलिस इससे पावरफुल हो जाते हैं। दाऊद भी छोटा सा क्रिमिनल था, स्मगलिंग किया करता था, लेकिन जब उसके पॉलिटिशियन से कनेक्शन हुए, एक अंतुले आपके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर AR अंतुले, उनका जो घर था वो बिल्कुल एक बीच पे था, यानी कि समुद्र के साथ था, और बाहर से जो स्मगलिंग का सामान आता था तो सीधा जो बोट आती थी स्मगलिंग की वो उनके घर की बेसमेंट में चली जाती, तो कोई वहां पे वेरीफाई नहीं कर पाता था, कोई चेक नहीं कर पाता था। वो अंतुले के भी दाऊद से बड़े कनेक्शन थे, दाऊद के पार्ट थे, चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तो आप कैसे दाऊद जैसे लोगों को पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर आज अगर दाऊद को छोड़ करके कोई सामने और आता है जो इंडिया के खिलाफ काम ना करे, जो हिंदुओं के खिलाफ काम ना करे, जो सनातन धर्म के खिलाफ काम ना करे, तो अप्रिशिएट करें उसको, क्यों नहीं हम सपोर्ट करेंगे, ये नहीं आएगा तो दूसरा उस जगह पे आ जाएगा। तो जहाँ पे इंडिया के अंदर जो मुस्लिम का जो वर्चस्व बना हुआ है बॉलीवुड के अंदर वो खत्म होना चाहिए। बॉलीवुड के अंदर फिल्में बने करेक्टर वाली, फिल्में एंटरटेनमेंट करें, लेकिन फिल्मों के अंदर हिंदुओं को गालियां तो नहीं दी जाए। अगर फिल्मों के अंदर कोई लड़का अपने माथे पे तिलक लगा के आता है उसको ये तो नहीं कहे कि ये डाकू है या गुंडा है, ये आजकल होता है। फिर कोई हमारे भगवान शिव जी की तो इंसल्ट ना करे, जैसे वीर खान बार बार इंसल्ट करते हैं, शिव जी की फोटो लगी है उनके ब्रीफकेस के ऊपर, वहां पेशाब करता है, ये हरामखोर आदमी है, जानबूझ के ऐसी बातें करते थे जानबूझ के। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सी जगह में देख रहे हैं कि आपके जूस के अंदर पेशाब मिला दिया, थूक दिया बीच के अंदर, यही काम करते थे। और हमारे मंदिरों को तो लिबरेट किया जा रहा है, साथ में बॉलीवुड की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बॉलीवुड के अंदर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, लेकिन ये तो नहीं है कि जो मुसलमान है वो एक बड़ा ईमानदार है और हिंदू एक करप्ट है। एक फिल्म में ये होता था, बहुत से फिल्मों के अंदर जावेद अख्तर की फिल्मों में ये दिखाया जाता था हमेशा। जावेद अख्तर थोड़े से चेंज हुए, बड़ा गालियां देते थे हिंदुओं को। जब एक बार पाकिस्तान के अंदर गए एक प्रोग्राम में अटेंड कर रहे थे, क्योंकि उन पर काफी अटैक भी हुआ इंडिया के अंदर, बर्बर अटैक हुए, तो वहां पे उन्होंने ये कह दिया कि 9/11 तो मेरे सामने, 26/11 तो मेरे सामने हुआ, और किस तरीके से हम मिलिटेंट आए थे, तो वहां पे उनको गालियां देकर भगा दिया गया, दोबारा वो पाकिस्तान नहीं गए। तो यहाँ पे बहुत से इंसिडेंट है जो हुई है, और दोबारा लोगों को ये करनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बहुत सी एक्ट्रेसेस को यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, एक आए जगह खाली है तो कोई तो आएगा, अगर आपके घर में प्लॉट खाली है तो दूसरा कोई जगह तो घेर ही देगा उसकी। तो इसलिए दाऊद को हट करके बिजनोई आए तो मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, बॉलीवुड साफ होगा, बॉलीवुड के अंदर हिंदुओं की इज्जत नहीं होगी, सनातन धर्म को कोई गाली देगा, हमारे भगवान को कोई गाली देगा, और वहां पे जो हिंदू एक्टर एक्ट्रेसेस है उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। वैसे एक्सप्लॉइटेशन चलती रहेगी फर्स्ट लेवल पे, लेकिन लार्ज स्केल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी। कोई जैसे किसी को छत से नंगा करके नहीं फेंकेगा, मैं सोचता हूँ ये बात नहीं होगी वहां पे। तो मतलब कुल मिला के अभी जो लॉरेंस बिश्नोई की अगर हम बात करें, जो वो कह रहे हैं कि सलमान खान ने ब्लैक बक मारा है, और उनके पिताजी जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका खुलासा ये उनकी एक्स गर्लफ्रेंड इन्होंने आगे किया है कि सलमान खान ने खुद आके उनको बोला था। तो दर्शकों से भी मैं पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखे कि आपको किसकी बात पे भरोसा है, क्या लगता है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि सलमान खान के पिताजी ने पूछा होगा कि भैया बेटा तूने गाड़ी चढ़ाई थी फुटपाथ पे लोगों पे, नहीं पापा। ऐश्वर्या राय को तूने थप्पड़ मारा था, नहीं पापा। विवेक ओबराय का करियर खराब किया, सोनू निगम का करियर खराब किया, नहीं पापा। और तुमने अरिजीत का करियर खराब किया, नहीं पापा। क्या तुमने यहाँ पे ब्लैक बक मारा था, नहीं पापा। तो ये इस तरीके की चीजें अगर पिताजी को, तो सारी सब लोग झूठ बोल ही देते हैं ना, तो ये जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, ये इनकी ही एक पुरानी गर्लफ्रेंड जो उस टाइम पे थी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उस टाइम की गर्लफ्रेंड होने का इन्होंने दावा किया और कहा है कि सलमान खान शूटिंग पे हंटिंग पे जाता था, और उस दिन भी उसने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना पूजनीय हिरण है। तो यहाँ पे ये अपने आप में साबित हो गया है कि सलमान खान के पिताजी जो कह रहे हैं वो गलत है, और ये जो उनके साथ में उस टाइम पे थी, इनकी बातें यहाँ पर आई थिंक कोर्ट को दोबारा इसको संज्ञान में लेना भी चाहिए। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, और आपने जो बात भी कही कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे हादसे नहीं होंगे, एक हम ये नहीं कहते कि मुस्लिमों का वर्चस्व या हिंदुओं का वर्चस्व वहां पे, लेकिन जो हिंदुओं के साथ गलत चीजें होती हैं वो बंद होनी चाहिए। हिंदुओं को गलत दिखाया जाता है, हवस का पुजारी दिखाया, हवस का मौलाना क्यों नहीं, हवस का पादरी क्यों नहीं, ये चीजें क्यों नहीं दिखाई जाती, तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और साफ सुथरा कंटेंट देखना चाहिए। और एक बात बिल्कुल आपने सही कही, सुशांत की मौत के बाद जो बॉयकॉट किया गया बॉलीवुड का, वो अपने आप में निर्णायक था। और अब दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के ये बोलने के बाद, जो भी इसके साथ काम करेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उस जो सलमान खान
पर आरोप लगते थे कि वो दूसरों का काम छीनता है, अब उसको काम देने के से भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीछे हाथ खींच रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा बदलाव है, देखते हैं कि आगे क्या होगा। बट बहुत बहुत धन्यवाद सुख सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। मेरा भारत महान।